तो आलू क्या है, एक ट्यूबर क्रॉप है। ट्यूबर क्रॉप में और कौन कौन सी क्रॉप आती है? ट्यूबर का मतलब क्या होता है, जिसको हम अंडरग्राउंड स्टेम बोलते हैं, मतलब स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं पोटेटो की, तो आलू क्या है, एक स्टेम का मॉडिफिकेशन है। मैं अगर ये प्लांट की बात करूं, ये आलू हमारा क्या है, एक प्लांट है। इस पे अगर ये इसकी लीफ लगी हुई है, ठीक है, ये अगर हमारा आलू प्लांट है, इस पर इसकी लीफ है, ठीक है, और ये है इसकी क्या, रूट्स। तो ये स्टेम है ना, ये स्टेम का ही मॉडिफिकेशन होता है आलू। स्टेम का क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है। कैसे मॉडिफिकेशन होता है, यहाँ पे लगते हैं ये आलू, ठीक है, यहाँ पे ये तो मदर ट्यूबर होता है, इसी से क्या लगते हैं, यहाँ पर ये आलू इसमें लगते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। आलू क्या होता है, स्टेम का मॉडिफिकेशन, स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है ये, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम इसको बोलते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम बोलते हैं, स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। और ये जो क्या है, ये है ट्यूबर, क्या लगाते हैं हम इसको, ट्यूबर बोलते हैं, कंद जिसको हिंदी में बोलते हैं, कंद, ठीक है। तो इसमें कंद में और कौन सी क्रॉप आती है, जैसे स्वीट पोटेटो आती है, स्वीट पोटेटो है ना, शकरकंद जिसको हम बोलते हैं, और टोपियोका आती है, टोपियोका कसावा जिसको हम बोलते हैं, ये हो गया हमारा पोटेटो आती है, कोलोकेशिया आती है, कोलोकेशिया आती है, ये सारी क्या है, ट्यूबर क्रॉप है। और ट्यूबर क्रॉप की खासियत क्या है, इसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा पाया जाता है। सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, टोपियोका में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो जितने भी ट्यूबर क्रॉप है उनमें सबसे ज्यादा जो क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, सबसे ज्यादा किसमें, टोपियोका में, उसके बाद पोटेटो, उसके बाद स्वीट पोटेटो, उसके बाद कोलोकेशिया में पाया जाता है। ये स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है ये, और ये क्या होते हैं, ट्यूबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये ट्यूबर्स होते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको ट्यूबर पर्पज के लिए ग्रो करते हैं, ट्यूबर पर्पज के लिए ग्रो करते हैं, तो इसी स्टेज में इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। अदरवाइज क्या होता है, इसमें फ्लावरिंग भी लगती है, ठीक है, इसमें क्या लगते हैं, फ्लावर्स भी लगते हैं, ठीक है, इसमें फ्लावर्स भी होते हैं। फ्लावर्स दो तरीके के होते हैं, इसमें एक पिंक फ्लावर होते हैं और व्हाइट फ्लावर भी होते हैं, दो तरीके का। भी पूछ जाए कि फ्लावर का कलर क्या होता है, तो पिंक और व्हाइट फ्लावर इसके अंदर लगते हैं, और इसके अंदर क्या होते हैं, फल फ्रूट्स भी आते हैं, इनके अंदर क्या लगते हैं, फ्रूट्स भी लगते हैं, ठीक है, इस तरीके के इसमें फ्रूट्स भी लगते हैं गुच्छे में, ठीक है, फ्रूट्स। तो हम क्या करते हैं इसको, हम सिर्फ इसको ईटिंग पर्पज के लिए, खाने के पर्पज के, जब ये कंद बन जाते हैं, ट्यूबर बन जाते हैं, ट्यूबर स्टेज में इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हम देखते भी नहीं है, ठीक है। आलू को हम किस पर्पज से लगाते हैं, ईटिंग पर्पज के लिए, जब ये ट्यूबर बन जाते हैं, ट्यूबर को हम निकाल लेते हैं और इसको हम अपने यूज करते हैं, प्रोसेसिंग पर्पज के लिए, चिप्स बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए यूज करते हैं। हम इसको कभी भी फ्लावरिंग स्टेज और फल स्टेज तक नहीं देखते हैं और ना ही वहां तक हम जाते हैं। फ्लावरिंग और फल स्टेज में जाते हैं तो ये पेरिनियल हो जाता है, और अगर हम यहां पे बात करें ट्यूबर फॉर्मेशन, ट्यूबर स्टेज की बात करें, तो ये एनुअल होता है, वार्षिक होता है। फूल बनेंगे, फूल से बनेंगे फ्लावर, तो ये होते हैं इसके फल, ये जो होते हैं इसके फल यहां लगते हैं। ये तो क्या है, ये कंद है, अंडरग्राउंड स्टेम है, इन्हीं का हम खाने के लिए यूज करते हैं, और इन्हीं फल से क्या बनते हैं, सीड बनते हैं, कौन से, वही जो ट्रू पोटेटो सीड हम पढ़ेंगे आगे, ट्रू पोटेटो सत्य बीज, सत्य आलू बीज जिसको हम बोलते हैं, ट्रू पोटेटो सीड, वो इस फल से बनते हैं। तो फल यहाँ पे इस प्रकार का होता है इसमें, और हम खाते क्या है, कंद खाते हैं। फ्लावर इसमें दो तरीके होते हैं, व्हाइट और पिंक, दोनों तरीके के फ्लावर इस आलू के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, और फल इसके कुछ इस तरीके से लगते हैं, गुच्छे में लगते हैं, तो फल प्रकार क्या हो जाता है इसका, बेरी हो जाता है। फल प्रकार क्या हो जाएगा, बेरी हो जाएगा, क्योंकि ये गुच्छे में लगता है। क्लियर है, ये फल हो गया, ये फ्लावर हो गया, फ्लावर इसका दो कलर के होते हैं, और ये हो गया हमारे कंद, ट्यूबर, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं खाने के पर्पज से। इतनी कहानी आपको समझ में आई होगी आलू के अंदर। तो ये वाला पार्ट तो हम देखते भी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये पार्ट आने से पहले ही हम क्या करते हैं, इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी हमें जरूरत भी नहीं है, ठीक है, इसको ये हमें चाहिए, इसलिए हमको ये पार्ट आने से पहले हम इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो ये बेसिक जानकारी है कि प्लांट के अंदर हमने कभी फ्लावर नहीं देखे हैं, फल नहीं देखे हैं, बट होते हैं, और इन्हीं फल से फिर ट्रू पोटेटो सीड बनते हैं, जो सिर्फ वैज्ञानिक लोग जो है वो तैयार करते हैं। ये किसानों को नहीं दिया जाता है बीज, वो बीज जो होता है जिसको हम ट्रू पोटेटो सीड बोलते हैं, ये इसकी सीड रेट कितनी लगती है, 100 से 150 ग्राम लगती है, और ये सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट इसका यूज करते हैं डिजीज फ्री प्लांट, डिजीज फ्री पोटेटो तैयार करने के लिए, और वो जो पोटेटो तैयार होता है वो ट्यूबर जो है किसानों को दिया जाता है, सीड कभी भी किसानों को नहीं दिया जाता, याद रखना, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी हो गई। अब इसमें बात करते हैं हमारी, बोटनिकल नेम की बात करते हैं, पोटेटो का बोटनिकल नेम क्या है, तो ये सोलेनम ट्यूबरोसम, ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम इसका नाम है, ठीक है।
साइंटिफिक नेम क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम। हिंदी इंग्लिश एक ही बात है, समझ लेना, इतना नोट्स में हिंदी मिल जाएगा। फैमिली की बात करें, परिवार की, तो सोलेनेसी, सोलेनेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है, ठीक है, सोलेनेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है, क्लियर, सोलेनेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। बात करते हैं इसकी क्रोमोसोम नंबर या उसके ओरिजिन की बात करते हैं, कहां इसके ओरिजिन कहां हुआ था, तो पेरू, पेरू या फिर हम बोल सकते हैं साउथ अमेरिका, ठीक है, पेरू साउथ अमेरिका इसका क्या है, उत्पत्ति स्थान है। क्रोमोसोम नंबर की बात करें, ये तो बेसिक जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए, 2n = 48, 48 इसमें क्या होते हैं, गुणसूत्र संख्या इसके अंदर होती है, किसके अंदर, पोटेटो के अंदर। फल प्रकार की बात करें, फ्रूट टाइप की, फ्रूट टाइप की अगर बात करें, फल प्रकार की बात करें, तो इसमें फल प्रकार कैसा होता है, मैंने बताया ना इसका फल, फल हम जनरली देखते नहीं, ऊपर आपने देखा उसका, अब ये नहीं बोलना कि इसमें फल क्या है, जो हम खाते हैं वो फल नहीं होता है, ये तो क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है, मॉडिफाइड स्टेम होता है, ठीक है, जिसको हम खाते हैं, बट फल इसमें इस तरीके से लगते हैं गुच्छे में, जिसको हम बीज बोलते हैं और उसी बेरी बोलते हैं, उसी से टू पोटेटो सीड तैयार होता है, ये चीज याद रखना, क्लियर है। तो इसका जो फल प्रकार है वो क्या है, बेरी है, क्या है, बेरी है, ठीक है, इसका जो फल प्रकार है क्या है, बेरी है, ठीक है। प्लांट टाइप की बात करें या फोटो पीरियोडिज्म, फोटो पीरियोडिज्म की बात करें, प्रकाश दीप्तिकालिता की बात करें, प्रकाश दीप्तिकालिता की बात करें, तो यहां पे क्वेश्चंस दो तरीके से पूछे जाते हैं, याद रखना, ठीक है। अगर नॉर्मली आपसे पूछा जाए प्रकाश दीप्तिकालिता, तो ये होता है लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट होता है, ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट, दीर्घ दिवस पौधा, दीर्घ दिवस पौधा होता है, ठीक है, दीर्घ दिवस पौधा ये होता है, ठीक है। नॉर्मली आपसे पूछा जाए, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ है कि इसमें आलू का जो फोटो पीरियडिस में प्रकाश दीप्तिकालिता के आधार पर किस प्रकार का पौधा है, तो लॉन्ग डे प्लांट है। लेकिन अगर पूछा जाए ट्यूबरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्यूबरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, या कंद के अनुसार, कंद के अनुसार देखें तो ये क्या होता है, शॉर्ट डे प्लांट होता है। कंद के अनुसार देखो तो क्या होता है, शॉर्ट डे प्लांट होता है, लघु दिवस पौधा। ऐसा क्यों है ये भी बता देता हूं, समझना बात को, ऐसा क्यों है, ठीक है। देखो पोटेटो की सोइंग हम करते हैं लगभग सितंबर अक्टूबर में, ठीक है, सोइंग टाइम भी लिख लो, ठीक है। सोइंग की बात करें, इसकी हम सोइंग कब करते हैं, सितंबर अक्टूबर में हम करते हैं इसकी सोइंग, क्लियर है, सितंबर अक्टूबर में सोइंग करते हैं। ट्यूबर कब बनते हैं, ट्यूबर फॉर्मेशन, ट्यूबर फॉर्मेशन जो है इसमें होता है, ट्यूबर फॉर्मेशन ये होता है लगभग दिसंबर के मंथ में, दिसंबर के मंथ में यहां पर ट्यूबर फॉर्मेशन होता है। और दिसंबर के मंथ में क्या होता है, दिन छोटे होते हैं, ठंड का समय है, ठंड के समय में क्या होता है, दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती है, तो दिसंबर के समय में दिन जो है जल्दी लगभग 5 बजे के आसपास ही अंधेरा हो जाता है, लगभग 7, 7.5, 8 बजे तक उजाला होता है। तो दिसंबर के समय में ट्यूबर बनते हैं, तो ट्यूबर बनते समय, ट्यूबरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब ट्यूबर बनते समय, दिसंबर में हम ट्यूबर बनना शुरू होते हैं, तो उस समय क्या होता है, दिन छोटे होते हैं। अगर स्पेशल कंडीशन पूछी जाए कि कंद बनते समय, ट्यूबर बनते समय जो है प्लांट किस टाइप का है, तो शॉर्ट डे प्लांट है। नॉर्मली कुछ नहीं दिया हुआ कि आलू किस प्रकार का होता है, तो लॉन्ग डे प्लांट है। अब यहां पे देखो लॉन्ग डे प्लांट क्यों बोला गया, तो ये ट्यूबर हो गया। अब यहां पे हम क्या बनते हैं, सीड, मतलब फ्लावरिंग की बात करें, तो इसमें फ्लावरिंग आती है लगभग जनवरी में, ठीक है, जनवरी फरवरी के आसपास आप ले लो, ठीक है, और हार्वेस्टिंग लगभग फरवरी मार्च में, हम अगर पोटेटो के पॉइंट ऑफ व्यू से करें, ठीक है, फरवरी मार्च के समय उस समय क्या होता है, दिन बड़े हो जाते हैं, उस समय क्या होता है, दिन बड़े हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम किसके जाते हैं, रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्लावरिंग नहीं, रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमें सीड लेना होता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो दिन बड़े हो जाते हैं, इसलिए इसको लॉन्ग डे प्लांट में रखा जाता है। तो मोस्टली जिससे ट्यूबर बनते समय ही ये शॉर्ट डे में कंडीशन में रहता है, बाकी पूरे समय लॉन्ग डे वाली कंडीशन में रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं। सोइंग टाइम सितंबर दे दिया, हिली एरिया में अगर हमें सोइंग करना है, हिली एरिया में पहाड़ी क्षेत्र में सोइंग करना है, तो वो कब करेंगे, तो फरवरी में करेंगे। सोइंग टाइम भी मैंने यहीं पर आपका डिस्कस कर लिया, क्लियर है। इतनी चीजें आपको यहां पे क्लियर हो गई कि ट्यूबराइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछा जाए तो ये शॉर्ट डे प्लांट है, और अगर आपको नॉर्मली पूछा जाए तो ये किस प्रकार का पॉइंट है, तो याद रखना प्लांट है कुछ किस प्रकार का है, ये है लॉन्ग डे प्लांट। अब हम यहां पे बात करेंगे इसमें कि इसमें जो है टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड होता है,
टेम्परेचर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि टेम्परेचर फॉर ट्यूबर ग्रोथ, ट्यूबर ग्रोथ ठीक है, कंद वृद्धि के लिए तापमान कितना चाहिए, कंद की वृद्धि के लिए तापमान, अगर कंद की वृद्धि हमें करानी है तो उसके लिए कितना तापमान, सॉरी ठीक है, कंद की वृद्धि के लिए कितना तापमान चाहिए, तो कंद की वृद्धि के लिए चाहिए लगभग 17 से लेकर 19 डिग्री टेम्परेचर चाहिए रहता है। देखो ये किस प्रकार का पौधा है, ये ऐसा पौधा है जिसमें फल के अलावा और कोई भाग खाया जाता है। देखो मैं बताता हूं, जैसे मैं बात करूं टमाटर की, जैसे मैं बात करूं टमाटर, टमाटर हम क्या खाते हैं, फल खाते हैं ठीक है, टमाटर में हम फल खाते हैं, लेकिन यहां आलू हम क्या खा रहे हैं, फल नहीं खा रहे, फल का तो बहुत लेट आएगा, फूल आएंगे फल आएंगे, फल का उपयोग हम टू पोटेटो सीड में करते हैं, यहां फल के अलावा हम भाग खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ट्यूबर खा रहे हैं, इसका स्टेम खा रहे हैं ठीक है, मॉडिफाइड स्टेम हम खा रहे हैं, तो फल के अलावा और कोई भाग खाते हैं ना, उसमें टेम्परेचर लगभग 18 से 22 रखा जाता है, याद रखना फल के अलावा और कोई भाग खाते हैं तो उसमें ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना चाहिए, 18 से 22, याद रखना मैं लिख देता हूं, फल के अलावा अगर और कुछ आप खा रहे हो, फल के अलावा खाने वाली जो क्रॉप है उसमें जो टेम्परेचर है मोस्टली 18 से 22 रखा जाता है, फल के अलावा अगर आप कुछ भी खा रहे हो, चाहे पत्ती खा रहे हो ठीक है, चाहे पत्ती खा रहे हो, चाहे ट्यूबर खा रहे हो, चाहे रूट खा रहे हो, चाहे स्टेम खा रहे हो, तो उसमें टेम्परेचर लगभग 18 से 20 के आसपास रखा जाता है ठीक है। तो ये बात हो गई, तो टेम्परेचर ट्यूबर ग्रोथ के लिए 17 से 20 19 चाहिए, और हाइएस्ट ट्यूबराइजेशन की अगर बात आ जाए, क्या हाइएस्ट ट्यूबराइजेशन मतलब अगर सर्वाधिक या सबसे अधिक कंद बनने के समय तापमान कितना चाहिए, टेम्परेचर कितना चाहिए, तो याद रखना डे टेम्परेचर कितना चाहिए, दिन में चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस, और नाइट NIGHT नाइट टेम्परेचर कितना चाहिए, 14 डिग्री सेल्सियस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि अगर हाईएस्ट ट्यूबराइजेशन मतलब कि सर्वाधिक ट्यूबराइजेशन, सबसे अच्छा ट्यूबराइजेशन अगर करवाना हो तो कितना, तो दिन का टेम्परेचर 20 डिग्री चाहिए और नाइट का टेम्परेचर लगभग चाहिए 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ये जो है फैक्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर है। अब यहां पे हम बात करते हैं इसके प्रोपोगेशन की, स्पेसिंग की और प्रोपोगेशन प्रवर्धन की बात करते हैं। प्रवर्धन देखो, प्रवर्धन इसमें हम कैसे क्या होता है, इसमें हम यूज करते हैं ट्यूबर, क्या यूज करते हैं, कंद यूज करते हैं प्रोपोगेशन के लिए। अब कंद जो है कितना होना चाहिए, लगभग 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर। सीड की रेट, सीड रेट कितनी होनी चाहिए इसकी, ट्यूबर की, ट्यूबर की जो सीड रेट है वो कितनी होनी चाहिए, 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर। ट्यूबर की साइज क्या होनी चाहिए, ट्यूबर की साइज या जो हम बोले वेट, ट्यूबर साइज या ट्यूबर का जो वेट है वो कितना होना चाहिए, ट्यूबर का जो वेट है, मैं बोलूं कंद का वजन कितना होना चाहिए, तो लगभग 45 से 50 ग्राम उसका वेट होना चाहिए। किसके लिए, प्रोपोगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, खाने के लिए नहीं, प्रोपोगेशन के पॉइंट, खाने में तो कोई सा भी साइज चलेगा है ना, तो जब प्रोपोगेशन करना है तो कंद की जो साइज 45 से 50 ग्राम होनी चाहिए, और सीड रेट कितनी, लगभग 20 से 25 या 25 से 30 क्विंटल भी अलग अलग बुकों में मिल जाएगा, ये होना चाहिए ठीक है। ट्रू पोटेटो सीड अगर हमें सीड से करना है, टीपीएस से करना है, तो सीड रेट कितनी लगती है, 100 से 150 ग्राम, और एरिया कितना लगेगा, नर्सरी तैयार करना है तो 75 मीटर स्क्वायर एरिया, नर्सरी एरिया रिक्वायर्ड होता है, ये याद रखने ना, ये फैक्ट यहाँ पे सातवें में बता दे रहा हूं आपको ठीक है। तो प्रवर्धन बात करें, कंद अगर लेंगे उसमें तो कंद क्या रखते हैं, 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर। अब देखो आलू की मैं यहाँ पे एक खासियत, अब एक चीज आपको बताता हूं, सबसे ज्यादा लागत ठीक है, हाइएस्ट कॉस्ट किसमें लगती है, पोटेटो में, क्यों, क्योंकि देखो यहां पे कितना सीड हम यूज कर रहे हैं, 20 से 25 क्विंटल, एक क्विंटल में 100 किलो, तो लगभग कितना हो रहा है, 2000 से 2500 किलो सीड लग रहा है एक हेक्टेयर में, तो 50% कॉस्ट जो आती है, कॉस्ट किसकी आती है, 50% कॉस्ट सीड की आ जाती है, सीड रेट की, टोटल कॉस्ट की 50% कॉस्ट सिर्फ सीड रेट की आ जाती है, क्यों, क्योंकि 20 से 25 क्विंटल यहां पे कितना बीज लग रहा है, 20 से 25 किलो नहीं, 20 से 25 क्विंटल, मतलब एक क्विंटल में 100 किलो, तो लगभग 2000 से 2500 किलो यहां पर कंद लग रहे हैं एक हेक्टेयर में, सोइंग करने के लिए, बुआई करने के लिए,
तो यहां देखो इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, जितनी पोटैटो में जितनी भी कॉस्ट आती है टोटल उसकी 50% कॉस्ट सिर्फ बीज की आ जाती है, इसलिए सबसे ज्यादा कॉस्ट इसी आलू की फसल में हमें लगती है। स्पेसिंग की बात करें, स्पेसिंग कितना रिक्वायर्ड है, ज्यामिति की बात करें, ज्यामिति या फसल अंतरण की बात करें तो ज्यामिति इसमें 60 × 20 से 25 भी रख सकते हो मीटर स्क्वायर इसमें रिक्वायर्ड होती है, 60 से लेके 20 से 25 भी रख सकते हैं। ठीक है, पीएच रिक्वायरमेंट की बात करें तो पीएच इसमें लगभग 5.0 से लेके 5.5 पीएच इसमें रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, 5 से लेके 5.5 पीएच, थोड़ा सा एसिडिक नेचर इसमें रिक्वायर्ड होता है सोयल का। क्लियर है, यहां तक का मामला आपका क्लियर होता है। क्या क्या चीज हमने डिस्कस कर ली है, ट्यूबर वेट हो गया हमारा, सारी चीज हमने डिस्कस कर ली। अब हम यहां पे बात करते हैं इसमें क्या चीजें होती है, टेम्परेचर हमने डिस्कस किया तो स्टोरेज टेम्परेचर भी डिस्कस कर लेते हैं। स्टोरेज टेम्परेचर कितना, भंडारण के समय कितना टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तो 15 से लेके 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और स्टोरेज में हम इसमें कोल्ड स्टोरेज भी करते हैं, तो कोल्ड स्टोरेज में टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज में टेम्परेचर रखते हैं हम 2 से लेके 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी रखते हैं लगभग 80% के आसपास। अब यहाँ पे देखो, आप कई बार मार्केट से जो पोटैटो लेके आते हो, आलू लेके आते हो, वो हमें खाने में मीठे लगते हैं, है ना। कई बार आप पोटैटो लेके आते हो, उसकी सब्जी बनाते हो या कुछ और भी बनाते हो, तो उसका जो टेस्ट काफी मीठा लगता है। उसका मीठा लगने का कारण क्या है, उसका कारण ये है कि कोल्ड स्टोरेज में ज्यादा समय तक, ठीक है, ज्यादा समय अगर स्टोर कर देते हैं कोल्ड स्टोरेज में, तो उसके अंदर पोटैटो जो होता है, जो हमारा आलू है, आलू में क्या होता है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट, ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है या बदलता है, किसमें, सुक्रोज में। सुक्रोज क्या होता है, मीठा शर्करा है, ये मीठा इसमें बदल जाता है, जिसकी वजह से हमें जो है वो पोटैटो आलू जो है मीठा लगता है। किस वजह से, कि कोल्ड स्टोरेज में आपने 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर पर रखा है, ज्यादा समय तक अगर रख दिया उसको, तो वो स्टार्च किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हमें वो मीठा लगने लगता है। क्लियर है यहां तक की बात। चलो इसमें प्रोसेस भी करते हैं, प्रोसेस दो प्रोसेस है, दोनों प्रोसेस समझ लीजिए, ठीक, ऑपरेशन इसमें करते हैं, ऑपरेशन इसमें करते हैं। पहला है अर्थिंग अप, अर्थिंग अप जिसको हम क्या बोलते हैं, मिट्टी चढ़ाना, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिट्टी चढ़ाना कहते हैं। ठीक है, मिट्टी चढ़ाना का मतलब क्या है, देखो कब, 40 डे आफ्टर प्लांटिंग, ठीक है, प्लांटिंग के लगभग 40 दिन के बाद, ठीक है, 40 डे आफ्टर प्लांटिंग, डे मतलब दिन हो गया, आफ्टर मतलब बाद में, प्लांटिंग मतलब प्लांटिंग के 40 दिन के बाद हम क्या करते हैं, अर्थिंग अप करते हैं। और यहां पर प्लांट की जो हाइट है वो कितनी हो जाती है, प्लांट हाइट, पादप ऊंचाई की बात करें, पादप ऊंचाई कितनी, लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं ऊंचाई कितनी रखना है, ये हमारा अगर प्लांट है, ठीक है, ठीक है, ये लीव्स हो गई, और यहां पे हमारा ये रूट्स हो गया, रूट्स में यहां लगे हैं हमारे, ठीक है, ये हमारे क्या लगे हैं, कंदा गए। अब इसमें इसकी हाइट कितनी, ये प्लांट की हाइट लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर हाइट हो, और प्लांटिंग के 40 डे आफ्टर प्लांटिंग, 40 दिन बाद, प्लांटिंग के 40 दिन बाद क्या करते हैं, अर्थिंग अप करते हैं, अर्थिंग अप करते हैं, मिट्टी चढ़ा देते हैं, मतलब यहां पे हम क्या करते हैं, ये इस तरीके से इस पर प्लांट पर मिट्टी चढ़ा देते हैं। ठीक है, क्यों चढ़ाते हैं, मिट्टी चढ़ाने का कारण क्या है, एक तो इसको सपोर्ट देना, फिजिकल सपोर्ट देना, ठीक है, मिट्टी चढ़ाने का कारण एक तो इसको सपोर्ट देना, सहारा देना, ठीक है, दूसरा क्या होगा, जैसे मान लो ये हमारा प्लांट है, ठीक है, ये इस तरीके की हमने मिट्टी चढ़ा रखी, इस पे मान लो कोई आलू है, ये यहां पे बाहर आ गया, ठीक है, ये कंद है हमारे, ठीक, ये जो है मिट्टी के बाहर है, क्लियर है, ये जो पोटैटो है वो कहां आ गया, मिट्टी के बाहर, ये हमारी मिट्टी है यहां पे, ये मिट्टी के बाहर आ गया। अब यहां पे क्या होगा, ये सूर्य भगवान है हमारे, यहां सनलाइट आएगी इसके ऊपर, अब सनलाइट आएगी तो क्या होगा, ये पोटैटो क्या समझेगा कि मुझे फोटोसिंथेसिस करना है, मतलब ये क्या सोच रहा है कि मुझे फोटो
सिंथेसिस करना है। क्यों? क्योंकि जब इस पे सनलाइट आएगी, ठीक है, सनलाइट आएगी तो यहां पर क्या होगा, एक केमिकल जनरेट होगा। जब सनलाइट आएगी तो यहां पर एक केमिकल काम करेगा, कौन सा, सोलानिन, कौन सा, सोलानिन, सोलानिन ये टॉक्सिक केमिकल है, ठीक है, ये कम काम करेगा। ये जब सोलानिन कंटेंट यहां पे बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, सोलानिन कंटेंट बनेगा तो यहां पर क्या होगा, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा इस ट्यूबर के अंदर, क्लोरोफिल बढ़ जाएगा या क्लोरोफिल इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, क्या, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल यहां पर बनना शुरू हो जाएगा। और क्लोरोफिल बनेगा तो ये कैसा हो जाएगा, ये ट्यूबर कैसा हो जाएगा, हरा, हरा रंग का हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है। ये जो है पोटेटो वो क्या होगा, ग्रीन कलर का यहां पे दिखेगा, ये आप मार्केट से आते हो, ग्रीन कलर का हो जाएगा, ग्रीन कलर का होगा मतलब यहां पे देखो सोलेनिन कंटेंट क्लोरोफिल बना रहा है, और क्लोरोफिल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये आलू समझ रहा है भाई कि मेरे को फोटोसिंथेसिस करना है इसलिए वो हरा हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में इससे बचने के लिए भी हम क्या करते हैं, यहां पर मिट्टी चढ़ा देते हैं, अर्थिंग अप कर देते हैं, क्लियर, ताकि वहां पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ना हो, सोलेनिन कंटेंट ना बने, क्लोरोफिल ना बढ़े और फोटोसिंथेसिस ना हो, ठीक है, ये दो रीजन है, क्लियर है, ये समझ में आ गया आपको, ये क्या प्रोसेस होती है। नेक्स्ट प्रोसेस की बात करूं मैं तो सेकेंड जो इसमें प्रोसेस होती है वो है डिहॉल्मिंग। क्या होती है, नेक्स्ट जो ऑपरेशन होता है इसमें, डिहॉल्मिंग, डिहॉल्मिंग इसमें करते हैं। देखो डिहॉल्मिंग क्या होता है, टेन टू फिफ्टीन डेज बिफोर हार्वेस्टिंग कट द एरियल पार्ट फ्रॉम द ग्राउंड्स, ठीक है, मतलब हार्वेस्टिंग के 10 से 15 दिन पहले ग्राउंड से वायुई जो भाग है उसको काट देना, हटा देना। देखो क्या लिखा मैंने कि कटाई के 10 से 15 दिन पहले, कटाई के 10 से 15 दिन पहले सतह से वायुवीय भाग को हटाना डीहल्मिंग कहलाता है। क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, सारी चीज समझाता हूं, ठीक है। ये हमारा हो गया प्लांट, ठीक है, और यहां पे लगे हैं हमारे कंद, और ये है हमारा वायु विभाग पत्ती, ठीक है, ये वायु विभाग। अब क्या बोला हमने कि हार्वेस्टिंग के 10 से 15 दिन पहले इसको सतह से हटा देते हैं, काट देते हैं यहां से, तो ये क्या कैसा हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, यहां से हमने काट दिया इसको। और ये ऊपर वाला भाग हम किसी के लिए, चारे के लिए यूज कर लेते हैं, केटल को खिलाने के लिए यूज कर देते हैं, ऊपर वाला भाग हम हटा देते हैं, तो ये बचता है कब, 10 से 15 दिन पहले। जैसे मान लो हमें जनरली हार्वेस्टिंग कब करना है, जनवरी में, जनवरी में हार्वेस्टिंग करना है, ठीक है, जनवरी में हार्वेस्ट करना है, जनवरी में हार्वेस्ट करना है, तो डिहॉल्मिंग कब करेंगे, डिहॉल्मिंग करेंगे हम दिसंबर के लास्ट वीक में या जनवरी के फर्स्ट वीक में, दिसंबर के लास्ट वीक या जनवरी के फर्स्ट वीक में हम क्या करेंगे, डीहल्मिंग करेंगे, मतलब ऊपर वाला जितना भी भाग है उसको हटा देंगे 10 से 15 दिन पहले। तो यहां पे क्यों करते हैं ऐसा, दो कारण क्या है, देखो क्यों करते हैं, एक तो हो गया कंद की जो साइज है बढ़ जाती है, कंद की साइज है वो बढ़ जाती है, ट्यूबर की जो साइज है मतलब जो कंद है हमारा, कंद है उसकी साइज बढ़ जाएगी, ठीक है, ट्यूबर की जो साइज है वो बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि यहां पर अभी क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ये न्यूट्रिएंट इसमें भी जा रहा है, इसमें इसमें इसमें, जैसे इसको हटाएंगे तो न्यूट्रिएंट ऊपर नहीं जाएगा, वो न्यूट्रिएंट कहां आएगा, इसके अंदर आएगा, जितना भी है न्यूट्रिएंट पोषक तत्व इसके अंदर आएगा, तो इसकी साइज बढ़ेगी, इसकी क्वालिटी बढ़ेगी, ठीक है। दूसरी चीज क्या होता है, ये जो है दिसंबर के महीने में, लगभग दिसंबर के महीने में यहां पर एफिड का अटैक बहुत ज्यादा होता है, इसमें एफिड का अटैक बहुत ज्यादा होता है आलू में, और एफिड का अटैक कहां होता है, पत्तियों के ऊपर होता है। अगर इसको हम हटाई देंगे तो क्या होगा, एफिड का अटैक भी नहीं होगा,
ठीक है, एफिड के लिए जो क्रांतिक अवस्था है, क्रांतिक अवस्था है क्या है कि 20 एफिड, कितने 20 एफिड प्रति 100 लीफ, कितनी अगर 100 पत्तियां हैं, 100 पत्तियां पे आपको 20 एफिड दिख जाए मतलब आपको ट्रीटमेंट करने की जरूरत है, कंट्रोल करने की जरूरत है। तो अगर हम डीहेलमिंग करेंगे ऊपर वाला भाग हटा देंगे तो एफिड का अटैक भी नहीं होगा। तो हम यहां कर सकते हैं कंट्रोल एफिड अटैक्स, तो इसके करने से क्या होगा, कंट्रोल एफिड अटैक, एफिड अटैक भी इससे क्या होगा, कंट्रोल हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तीसरी चीज क्या होती है कि ये अंदर इसका जो ऊपरी भाग है जिसको हम बोलते हैं पेरिडर्म, ये होता है ना आलू, इसका जो ऊपरी भाग होता है इसको हम बोलते हैं पेरिडर्म। जब आलू नया नया होता है तो आपने देखा हो, मार्केट में जाओगे देखोगे ठेले वालों के पास, जब नया आलू होता ना तो ऊपर का छिलका हल्का सा कहीं कहीं से निकला हुआ दिखता आपको, क्यों, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता है। तो अगर आलू 10 से 15 दिन नीचे रहेगा तो जो पेरिडर्म्स वाला भाग भी क्या होगा, मजबूत होगा, कठोर होगा और आसानी से उस पर क्या होगा, इंजुरी नहीं आएगी। क्लियर है, तो इसलिए यहाँ पे ये दो प्रोसेस है, डीहेलमिंग और क्या करते हैं अर्थिंग अप। आई थिंक ये आप क्लियरली अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। क्लियर, ये सारी चीजें हमने समझ ली, क्रांतिक स्टेज हमने बता दी, एफिड 20 एफिड होना चाहिए, कितने पर 100 अगर आपकी लीफ है उस पर होना चाहिए, ठीक है अर्थिंग। अब हमने समझ लिया, अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्या टीपीएस और एसपीटी की, दो है यहाँ पे टीपीएस, टीपीएस टू प्रोटेटो सीट, और दूसरा है सीट प्लॉट टेक्निक, ठीक है दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से आपसे बनेंगे ही बनेंगे। क्या है ये ट्रू पोटेटो सीट, ट्रू पोटेटो सीड, और ये क्या है सीड प्लॉट टेक्निक, सीड प्लॉट टेक्निक, ठीक है सीड प्लॉट टेक्निक और ट्रू पोटेटो सीड। अब देखो सीड प्लॉट ट्रू पोटेटो टेक्निक ये किसने दी है, ये दी है रामानुज ने, रामानुजन, ठीक है कब 1957 में, और एसपीटी जो है सीड प्लॉट टेक्निक ये दी है पुष्करनाथ ने, ये अक्सर आपसे पूछा जाता है, ये आईएमपी है ठीक, कब 1967 में, 10-10 साल का अंतर है। दोनों का पर्पज क्या है, दोनों का पर्पज क्या है, डिजीज आर बोल सकते हैं वायरस फ्री सीड प्रोड्यूस करना, ठीक है दोनों का पर्पज, ये भी डिजीज एंड वायरस फ्री सीड, और इसका भी मेन पर्पज क्या है, डिजीज या बोल सकते हैं वायरस फ्री सीड प्रोड्यूस करना, सीड प्रोड्यूस करना, बट ये कहां नॉर्थ एरिया में, नॉर्थ इंडिया में। सीड प्लॉट टेक्निक पुष्करनाथ से 1967, ये डिजीज फ्री वायरस फ्री प्लांट तैयार करते हैं नॉर्थ इंडिया के लिए और ऊपर इंडिया के लिए, और इसमें जो सीड रेट होती है, ठीक है ट्रू पोटेटो में जो है सीड रेट होती है वो कितनी होती है, लगभग 100 से लेके 150 ग्राम सीड यहां पर यूज किए जाते हैं। और ध्यान रखना ये जो है सिर्फ और सिर्फ कौन यूज कर सकते हैं, साइंटिस्ट, दोनों की बात मैं कर रहा हूं ठीक है, दोनों के लिए है, कौन यूज करते हैं साइंटिस्ट, नॉट फॉर फार्मर्स, फार्मर्स के लिए नहीं है, सिर्फ साइंटिस्ट के लिए, फार्मर्स के लिए नहीं है ठीक है, ये जो है फार्मर्स को नहीं दिए जाते हैं, याद रखना ये सिर्फ साइंटिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं। साइंटिस्ट क्या करते हैं यहां पर ट्रू पोटेटो सीड से क्या तैयार करते हैं, ट्यूबर तैयार करते हैं, कंद तैयार करते हैं, उन कंद को दिया जाता है फार्मर को स्वयं के लिए, प्रोपोगेशन के लिए, ताकि जो उनके प्लांट में वायरस और डिजीज का अटैक ना हो, एफिड का अटैक ना हो, एफिड जो है लीफ रोल वायरस फैलाने का काम करता है पोटेटो के अंदर। क्लियर है, तो इनको जो है रिसर्च स्टेशन पर बनाया जाता है और वहां से कंद तैयार किए जाते हैं, ट्यूबर तैयार किए जाते हैं, वो ट्यूबर फार्मर्स को भेजा जाता है, सीड नहीं भेजे जाते, याद रखना सीड नहीं दिए जाते फार्मर को, ट्यूबर भेजे जाते हैं, ट्यूबर से अगर प्रोटेक्शन होता है, ये दोनों टेक्निक हो गई। चलो अब हम बात कर लेते हैं डिजीज और इंसेक्ट पेस्ट और डिसऑर्डर की। चलो सबसे पहले बात करते हैं डिसऑर्डर, डिसऑर्डर कौन कौन से यहां पर लगते हैं, सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक हार्ट, ब्लैक हार्ट की बात करते हैं, दूसरा इसमें और लगता है होलो स्टेम, होलो स्टेम ठीक है, ब्लैक हार्ट और होलो स्टेम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको पता होना चाहिए। ब्लैक स्टेम जो होता है वो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी से होता है, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी से होता है, कहां होता है इंटरनल ब्रेकडाउन हो जाता है, स्टोरेज के अंदर होता है, तो स्टोरेज के अंदर बोला जाता है कि आपको टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है, पुअर वेंटिलेशन नहीं होना चाहिए, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, मतलब जो
हवा वगैरह जो है वहां पर अच्छे होना चाहिए, तभी तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। तो वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, टेम्परेचर 35 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए स्टोरेज में, तो ये ब्लैक हार्ट से बचाया जा सकता है। तो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी से होता है, होलो स्टेम जो है नाइट्रोजन या एक्सेस नाइट्रोजन की वजह से। एक्सेस नाइट्रोजन की या नाइट्रोजन की अधिकता की वजह से होता है। ठीक है, क्या होता है कि इसकी साइज तो बढ़ जाती है कंद की, लेकिन अंदर से क्या हो जाता है, ये खाली, अंदर से ये खाली रहता है, साइज बढ़ जाती है और अंदर से खाली हो जाता है, होलो हो जाता है ट्यूबर। ट्यूबर जो है वो अंदर से बिल्कुल होलो हो जाता है, खाली हो जाता है। और नाइट्रोजन जब हम ज्यादा देंगे तो साइज तो बढ़ जाएगी, वेजिटेटिव ग्रोथ मतलब स्टेम की साइज, ये ट्यूबर की साइज तो बढ़ जाएगी और अंदर से क्या रहेगा, वो होलो रहेगा, खाली रहेगा। इसके लिए होलो स्टेम बोलते हैं। नाइट्रोजन की अधिकता की वजह से होता है ब्लैक हार्ट जो है वो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी की वजह से होता है। ठीक है, ये दो डिसऑर्डर है। अब हम बात करते हैं यहां पे क्या डिजीज की, रोग की बात करते हैं। तो रोग की बात करें तो इसमें लगता है मोस्ट इंपोर्टेंट लेट ब्लाइट ऑफ पोटेटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटेटो। ठीक है, आलू की पछेती अंगमारी, क्या बोलते हैं इसको, आलू की पछेती अंगमारी, आलू की पछेती अंगमारी इसको बोलते हैं, आलू का पछेती रोग बोलते हैं। और ये किसकी वजह से होता है, तो ये होता है किसकी वजह से, फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस, फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस फंगस की वजह से होता है। और इसकी वजह से क्या आया था, फेमाइन अकाल आया था, कहां पर, आयरलैंड में, कब, 1845 में। ठीक है, आलू का अकाल आयरलैंड में 1845 में आया था, किसकी वजह से, लेट ब्लाइट ऑफ पोटेटो की वजह से, आलू की पछेती अंगमारी की वजह से। ठीक है, और ये बताया था किसने, एडी बेरी ने, एंटोन डी बेरी ने बताया था कि ये जो है फंगस की वजह से होता है, एंटोन डी बेरी ने बताया था, जो क्या है, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी है। पहली डिजीज, बाकी तो आप बस नाम याद रख लीजिए। दूसरा है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटेटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटेटो, आलू की अगेती अंगमारी लिखने की जरूरत नहीं है, ये होता है अल्टरनेरिया सोलानी, अल्टरनेरिया सोलानी की वजह से होता है। तीसरा आप याद रखो यहां पे, ब्लैक स्कर्फ, ब्लैक स्कर्फ डिजीज, ये होता है राइजोक्टेनिया सोलेनी की वजह से, बस नाम याद रखना है। चौथा है स्कैब डिजीज, आलू स्कैब, ये किसके वजह आता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबी, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबी की वजह से होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबी, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबी की वजह से होता है। और क्या है, वाट डिजीज, वाट डिजीज जो होती है वो होती है सिंचिट्रियम एंडोबायोटिकम, सिंचिट्रियम एंडोबायोटिकम की वजह से होती है, बस ये आपको नाम याद रखना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो ऊपर वाली है। अब बात करते हैं इंसेक्ट की, एक और डिजीज है वो है पोटेटो लीफ रोल वायरस, लीफ रोल वायरस, ये एफिड के द्वारा फैलता है, एफिड द्वारा होता है। एफिड का नाम क्या है, माइजूस परसेसी सी है, माइजूस परसेसी की वजह से एफिड के द्वारा ये फैलता है। क्लियर है, तो एक इंसेक्ट तो एफिड ही हो गया, अब बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है। एक इंसेक्ट की और बता दूं, एक इंसेक्ट बता दूं, वो है पोटेटो ट्यूबर मॉथ, ये स्टोरेज, स्टोर और फील्ड दोनों में अटैक करता है, स्टोर और फील्ड दोनों में अटैक करता है। ठीक है, नाम है इसका मोस्चेमा ओपरकुलेला। ठीक है, ग्लोरी मोस्चेमा ओपरकुलेला इसका नाम है पोटेटो ट्यूबर मॉथ का और एफिड। क्लियर है, तो आलू के अंदर जितनी भी चीजें थी सारी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली, मेरे हिसाब से कोई पॉइंट छूटा नहीं है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।